हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज में आज हम क्लास 143 डिस्कस करेंगे। इसके पहले क्लास 142 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इन वीडियोस को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया है। साथ में ही जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इन जो वीडियोस हमने डिस्कस की हैं, उनमें हमने जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का रिसेंटली अभी उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। इस न्यूज को हम करंट इवेंट न्यूज के हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। साथ में महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में वीडियो के अंत में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ से बन सकते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करंट अफेयर्स 2022 प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पर। देखिए, पीएम मोदी के द्वारा रिसेंटली अभी इनॉग्रेट किया गया है हेडक्वार्टर, मुख्यालय इनॉग्रेट किया गया है किसका, इन स्पेस इन अहमदाबाद गुजरात। इन स्पेस का जो आपका हेडक्वार्टर है, उसका जो इनॉग्रेशन किया गया है, वो आपके अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, भोपाल अहमदाबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। देखिए, जो आपका स्पेस सेंटर है, जो आपका इन स्पेस सेंटर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत में स्पेस के क्षेत्र में रिसर्च और नई तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका जो मेन मोटिव है, इन स्पेस भारत के युवाओं को, भारत के बेस्ट माइंड को अपना टैलेंट दिखाने का मौका देगा, चाहे वो सरकार में काम कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, सभी स्पेस सेंटर में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। इन स्पेस में भारत की स्पेस इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की क्षमता है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे बोला गया है। इन स्पेस विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द यूथ ऑफ इंडिया टू शोकेस देयर टैलेंट। इन स्पेस सेंटर में जो आपके इंडिया के यूथ है, वो अपनी यहाँ पे जो आपका इन स्पेस सेंटर है, वो इंडिया के यूथ को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि वह अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा सके, वेदर दे आर वर्किंग, चाहे वे गवर्नमेंट में काम कर रहे हों या प्राइवेट सेक्टर में। इन स्पेस सेंटर जो है, वो आपका यहाँ पे ग्रेट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। द प्राइम मिनिस्टर फर्दर इलाबोरेट, इन स्पेस हैज द पोटेंशियल टू डिबोलाइजेशन इंडिया स्पेस इंडस्ट्रीज। तो ये इंडिया के स्पेस इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की क्षमता जो है वहाँ के यहाँ इस स्पेस सेंटर में है। तो इसको जो इनोग्रेट किया गया है, वो आपका भोपाल अहमदाबाद में गुजरात में इसको इनोग्रेट किया गया है आपके इन स्पेस सेंटर का। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, इसका की नाम दिया गया है इन स्पेस सेंटर, जो कि यहाँ पे गुजरात अहमदाबाद में इनोग्रेट किया गया है। इन स्पेस क्या काम करेगा, इन स्पेस एक नोडल एजेंसी होगी जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं के विभाग के उपयोग की अनुमति देगा। इसका मकसद अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा निजी भागीदारी को सुनिश्चित करना ही इन स्पेस सेंटर का मुख्य उद्देश्य है। द प्रमोशन एंड इनेबलिंग ऑफ प्राइवेट एंटिटीज इन द स्पेस सेक्टर विल प्रोवाइड अ मेजर फ्लिप टू द स्पेस सेक्टर एंड ओपन अप न्यू विस्टास ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टैलेंटेड यूथ। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखना है इन स्पेस सेंटर के बारे में, जिसका कि रिसेंटली अभी उद्घाटन किया गया आपके अहमदाबाद गुजरात में। अब इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक ही बन सकता है कि रिसेंटली अभी इन स्पेस सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे और किस स्टेट में किया गया। तो ये आपका गुजरात अहमदाबाद में जो है, वो आपका इन स्पेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। सेकेंड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इन स्पेस का जो आपका फुल फॉर्म है वो क्या आएगा। इन स्पेस का हमें फुल फॉर्म भी याद रखना है, तो इन स्पेस का जो फुल फॉर्म है वो आपका इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, इसका इन स्पेस का फुल फॉर्म है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसका फुल फॉर्म भी हमको याद रखना है, इन स्पेस सेंटर जो कि आपका गुजरात अहमदाबाद में इनोग्रेट किया गया है। तो ये ऑल अबाउट था रिसेंटली इनोग्रेट किए गए इन स्पेस सेंटर के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।